हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। जब हम गए थे वहाँ पे मूर्थल में, तो मूर्थल से जब हम वापस आए थे तो खुशी के घर गए थे हम। तो वहाँ पे बच्चों ने ज़िद करी कि ठीक है, इस बच्चे को हमारे इसको चीकू को छोड़ जाओ 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। तो हम उसको छोड़ के चले आए थे, अब छोड़ के आ गए हैं। उसके बाद फिर कल उसने ऐसा करा है कि एक छोटे बच्चे को काट लिया, और ज़्यादा काट लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो क्यों काट लिया उसने, ऐसा कैसे काट लिया। बिकॉज़ हमने पूछा भी कैसे काटा, तो उन्होंने बताया कि बच्चा बैठा हुआ था और एकदम पहले से खेल रहा था, खेलते खेलते चढ़ गया और उसने बाइट कर लिया, और बच्चे को भी ज़्यादा काट लिया। और वो खुशी के बड़े भैया का बच्चा है, तो एक ये भी टेंशन हो गई। दूसरी ये, उसने फिर खुशी के भाई को भी काट लिया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शायद ये हमारे साथ इतना फेमिलियर था, जब तक हम वहाँ पे थे खूब फेमिलियर था, हमारे जाने के बाद चिड़ में काटा है, क्यों काटा कुछ समझ नहीं आया। तो जब काटा था उसको, तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पे उसके जो भी इंजेक्शन वगैरह लगने थे लग गए। हालांकि हमारे चीकू को भी सारी वैक्सीन लगी हुई हैं, तो ऐसा कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफ साइड उसको इंजेक्शन लगवा दिए हैं जो भी लगते हैं। और अब वो बच्चा तो घर आ गया, लेकिन उसके बाद फिर चीकू को जब मारने के लिए जस्ट दौड़े, बिकॉज वो चूंकि छोड़ नहीं रहा था उसको, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि वो दौड़ मतलब छोड़ नहीं रहा था उसको मारने के लिए, डंडा उठाया, उसके बाद वो भागा है। भागने के बाद क्या हुआ है कि अब वो आया नहीं वापस। एक दो बार आसपास था, देखा उसको, उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया, अब वो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए उनका फ़ोन आया था। तो अब दोनों साइड से टेंशन हो रही है कि बच्चा भी, बच्चे को भी काट लिया, प्लस चीकू भी गायब है। तो मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि शायद मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो वैसे ढूंढ लिया अपने आसपास के एरिया में, उनको नहीं मिला। और मैं जा रहा हूँ, शायद कोशिश करता हूँ, शायद वो कभी मैं उसके आसपास हूँ और मुझे स्मेल करके पास आ जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं, बस मैं जा रहा हूँ और अपने साथ में सार्थक को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो मिल जाता तो उसको वापस लेके आना है। हालाँकि खुशी को भी टेंशन हो रखी है काफ़ी। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2 दिन मैं वहां रही हूँ, अच्छे से था, सब ठीक था। मैं जैसे ही आई हूँ उसके बाद की खबर रही है कि भाई बच्चे को काट लिया है, उसको भी काट लिया है। अब पता नहीं चिड़ में काटा है क्या है, हम लोग नहीं दिखे उसे, तो समझ नहीं आ रहा। इतने छोटे से हम लोग लेकर आए, उसको पाले हैं, अच्छे से रखा है, बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि जैसे कुकी थी वैसे वो भी था हमारे साथ। अब देखो बहुत टेंशन हो रही है, मतलब जैसे ये सुना है कि मिल नहीं रहा है वो, तो आप फटाफट पहले तो आप जाओ, उसके बाद मेरे को मैं बताओ जा रहा हूँ कैसा क्या गुड़िया। है। फ्रेंड्स, हाँ आप जाओ पहले, तो मेरे को समझ नहीं, अभी ना अच्छा नहीं लग रहा कुछ। हम निकल चुके हैं अभी चीकू के लिए। लेट्स सी वो मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। थोड़ी टेंशन भी हो रही है दिमाग में कि कुछ हो ना गया हो उसे, क्योंकि बाहर का कुछ पता नहीं होता, और वो है भी नहीं इस लायक, क्योंकि गलिए कुत्ते तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, जो पालतू होते हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती। मुझे तो ये भी टेंशन हो रही है, उसको गर्मी भी बहुत लग रही होगी, और प्लस जो दूसरे कुत्ते हैं उनसे भी बहुत डर रहता है। तो होप सो वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं फिर क्या होगा। और सही बताऊँ तो इस केस में ना हमें अपनी गलती लग रही है कि हमें ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए था, बट ऐसा लगा था अपने घर में ही छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हो गई। तो होप सो। खैर अभी तो सच बोलूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा अभी ब्लॉगिंग करने में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं पहुँच के एक बार देखता हूँ, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं पहले पहुँच जाऊँ उस एरिया में, पहुँच जाऊँ जहाँ से जो उसको लास्ट टाइम देखा गया था, सो फिर आपसे बात करता हूँ। और मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी वाइफ के जो मायका है उधर, तो उसका जो भी मतलब भाई है उसका, जिसने लास्ट टाइम उसे देखा था पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया में जाके सर्च करने का प्लान है। बस मेरे जाने का मेन मकसद यही है कि हो सकता है कि मैं उसको ना देख पाऊँ, बट वो मुझे देख के आ जाए, क्योंकि ये उसकी खुशी का भाई भी गया था देखने लेकिन नहीं मिला उसे, तो हो सकता है शायद मेरे को देख के आ जाए, तो इसी उम्मीद पर जा रहा हूँ। सो अभी हम लोग आ चुके हैं उसके घर के पास। मैंने उसके भाई को, सो रहा था बेचारा,
इसको उठा लिया ऐसे कैसे। मैंने कहा एक बार चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं जहाँ पे उसको लास्ट टाइम इन्होंने ही देखा है लास्ट टाइम चीकू को, तो उसी जगह पे जा रहे हैं उसके आसपास शायद मिल जाए। बहुत टेंशन भी हो रही है इस चीज़ की क्योंकि बाहर के कुत्ते बहुत वैसे होते हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। तो देखो अब जा रहे हैं, लेट्स सी। जरूर कोई उठा ले गया उसको, पक्का ले गया होगा कोई उठा के, लेके तो चले जाएंगे या तो फैक्ट्री वाला को रख लिया क्योंकि फैक्ट्री में वैसे भी चढ़ते होती है कुत्ते, फैक्ट्री वाले कुत्ते ढूंढते रहते। अब ये पार करना बहुत मुश्किल था उसके लिए, यहाँ के बाद पता नहीं वो कहाँ चला जाता अगर यहाँ पे आया होता तो। एक बार पूछ के भाई क्या पता गार्ड कॉल किए ना, मुझे देखा हो। ऐसा बिल्कुल सेम लेटा हुआ है, बच्चा उठा नहीं बड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम वही कलर है। अच्छा बंदे बना बना लेटा हुआ है नीचे। हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल सेम लेटा हुआ है, दिख मैं लादा रहा है यहाँ से, मैंने सोचा मिल गया मेरे को भी खुशी में मैं लगता है मंदिर पड़ेगी। ये देखना देखना दिखता एक बार इस साइड जाके देख लेते हैं, इस साइड भी देख अगर यहाँ से आया तो उत्तर लेफ्ट चला गया हो। चला गया ये देख ही नहीं रहा यार, फ्रेंड्स अभी तक चीकू नहीं मिला है और अब मुझे लग नहीं रहा कि मिलेगा कि बिकॉज हमने जहाँ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी वहाँ पे देख लिया, लोगों से भी पूछा बट कोई कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब वापस जाना पड़ेगा, अगर हो सकता है वो अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने उसको उठा के रख लिया है क्योंकि ऐसे तो कोई भी डॉगी होता है तो जाता है तो वापस आ जाता है, इतना तो उसे रास्ता मालूम ही होता है और वो पहले भी दो तीन बार वहाँ से जस्ट घूम के वापस आ गया, जिससे उसको खुशी का भाई ले जाता था वहाँ घुमाने के लिए बाहर घुमाने के लिए, तो कई बार क्या होता था वो अपने आप तेज से भाग के अपने आप घर चला जाता था। और अगर अब घर नहीं आ रहा है इसका मतलब उसे किसी ने ज़रूर उठा लिया है, पट्टा वट्टा भी उसके गले में था, हमने लोगों से पूछा भी कोई पट्टा लगा हुआ कुत्ता सफेद कलर का, तो एक दोनों ने बताया कि देखा तो था पर अब वो दिख ही नहीं रहा है, हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की इसको मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं गाइस अब क्या होता है, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसको आदत नहीं है बाहर रहने की ऐसे, और बाहर पता नहीं किसी ने उठाया है या कहीं डर के दूसरे कुत्तों के डर के मारे भी लोग थोड़े दूर भाग जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया देख लिया लेकिन नहीं मिल रहा है यार, वो काफ़ी दिमाग भी ख़राब हो रहा है मेरा इस वजह से। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ वहाँ देख लिया और इवन खुशी का भाई भी मेरे साथ गया हुआ था काफ़ी देर तक, उसने भी ढूंढा हमारे साथ, कई सिमिलर उसके जैसे कुत्ते दिखे भी लेकिन वो नहीं दिखा यार। अब फाइनली मैं घर जा रहा हूँ वापस और अभी बैड न्यूज़ खुशी को भी देनी है, मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा क्या बताऊँ जब घर पहुँच गई बता दूंगा उसको, पर यार बहुत बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, छोटे से लेके आए थे उसको बिल्कुल बचपन से, और इससे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि अब पता नहीं वो कैसे सरवाइव करेगा, किसी ने उसको रखा भी अपने पास नहीं रखा या कहीं भटक ही रहा है रास्ता भूल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे चीकू नहीं मिला, बहुत बहुत जगह ढूंढा कोशिश की, जहाँ भी मिल सकता था वहाँ सब जगह हमने कोशिश की उसको ढूंढने की पर वो नहीं मिला है, और दोनों का ही मूड ख़राब है हम दोनों का ही, छोटे से रखा था उसको अपने पास और
हमारे बच्चे का बहुत दिल लगा हुआ था, हमारा बहुत दिल लगा हुआ था। तो और एक्चुअल में सच बताऊँ तो एक डाउट मुझे ये भी है कि उसको किसी ने उठा ही लिया होगा। एक तो उसे गले में पट्टा भी था, सेकेंड चीज़ ये कि बताऊँ तो हम फ्लैट में रहते हैं तो इतना एक्सपोजर उसके पास था नहीं कि बाहर खुले में घूम रहा है। और वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा था, घर से लेके उसको फैक्ट्री तक ले जाते थे, फिर वहाँ से वो अच्छा खाता पीता था, चिल करता था, मस्त आता था, उसको पूरा रास्ता याद था, वो अपने आप आता था, अपने आप चला जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है उसको पता था रास्ता तो कोई इशू था ही नहीं, लेकिन शायद ऐसा लगता है मुझे क्योंकि वो ना कहीं वो मुझे लगता था लैब्राडोर का मिक्स, वो अपना इंडियन ब्रीड ही था लेकिन वो लैब्राडोर का मिक्स लगता था मुझे, बिकॉज वो बहुत मैच होता था लैब्राडोर से। बट अगर उसको ध्यान से देखो और जो थोड़े ज़्यादा कह सकते हैं उनको एक्सपीरियंस है डॉग्स का, तो वो पहचान जाते थे उसको देख के कि हाँ ये इंडियन ही है। बट अगर मैं दूर से देखूँ और बात करूँ तो लोगों को लैब्राडोर लग जाता था। शायद मुझे लगता है कि शायद किसी ने गलती से सोचा होगा कि ये लैब्राडोर है और इसको उठा लिया, मुझे तो यही लग रहा है गुड़िया। वहाँ से वो रेगुलर दिन में 4-5 चक्कर मार रहा था, तो कुत्ते तो एक बार चक्कर मारते हैं तो भी उनको याद हो जाता है, तो इतना रेगुलर चक्कर मार के भी अगर नहीं मिल रहा है उनको तो आई गेस कुछ ना कुछ तो है, कोई उठा ले गया उसे। सो आज मूड बहुत ख़राब है, ना ही भूख लग रही है, खाना खाने का मन भी नहीं है। तो आज हमने ना अपनी जो आती है हमारे पास खाना बनाने वाली, उनको भी मना कर दिया है कि आप मत आना। अब डेट से उसकी अब रह रह के उसकी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं कि अब जैसे बचपन से उसको पाला है, उसकी हर एक छोटी छोटी मेमोरी ना रिकॉल हो रही हैं और इस वजह से मन बहुत अपसेट है। क्या बोलूँ मैं, आप ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी अपडेट मिलती है उससे रिगार्डिंग तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ आप ही प्रे करो कि कुछ उसकी हमें न्यूज़ मिल जाए, अच्छी न्यूज़ मिल जाए कि अपने आप ही आ जाए, घर पे आ जाए, तो कम से कम मैं उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चा घर पे आ गया। ठीक है, बाकी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, बट इमोशनली ऐसा लगता है कि आ जाएगा, बट प्रैक्टिकली देखूँ तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है गाइस, तो करते हैं फिर आपसे बाद में कनेक्ट। बाय बाय।